हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे एक अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि दुबई और यूएई वीज़ा को लेकर है। बहुत लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में थे तो बहुत अच्छा एक अपडेट मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों दुबई का या यूएई का वर्क वीज़ा की अगर बात करें तो आपको जैसे पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन आपको यहाँ का वीज़ा मिल रहा था, लेकिन हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। अगर एक पूरी कंट्री चल रही है तो एक मैनेजर लेवल के लोग की भी ज़रूरत होती है, वहीं पर एक लेबर कैटेगरी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक कैटेगरी को लेके एक देश नहीं चल सकता। हर कैटेगरी के लोग की एक कंपनी को ज़रूरत होती है। तो अगर मैन पावर की कंपनी है या फिर कुछ है तो वो लोग लेबर सप्लाई वगैरह यहाँ पे करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन वीज़ा में अभी प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली अगर बात करें बांग्लादेशी वीज़ा, पाकिस्तानी वीज़ा, इन लोगों के वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अभी थोड़ी बहुत इसमें सुधार आया है। अच्छा, सुधार किस में आया है, कैसे ये लोग वीज़ा निकाल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि कंपनी जो है आपकी प्रोफेशन को चेंज करके थोड़ी बहुत आप प्रोफेशन को लाके आपको वीज़ा भेज रही है, या फिर अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा में हैं, आपका एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा है और आप एलिजिबल है उस जॉब के लिए, तो आपका जो प्रोफेशन है उसको चेंज कर दिया जा रहा है और उस प्रोफेशन से आपका वीज़ा आ जा रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, यहाँ पे अगर आपका वीज़ा नहीं आ रहा है तो प्रोफेशन वगैरह चेंज रहता है। अगर आप दुबई एयरपोर्ट से आते भी हैं, इमिग्रेशन में भी चेक होता है, कोई भी दिक्कत ऐसा एज सच नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ने आपका वीज़ा निकाला है और गवर्नमेंट की तरफ से आपका वीज़ा आया है। किस पोजिशन के लिए है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी उतना चेक नहीं होता। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा वीज़ा आया है, बहुत सारी कंपनीज में मैंने पता किया है कि वीज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके बहुत सारी कंपनीज, जिसको ज़रूरत है वो लोग क्या करेंगे, क्या उन लोग आदमी नहीं रखेंगे, काम नहीं होगा उनका, ऐसा नहीं है, बिल्कुल काम होगा उनका। तो स्पेशली जिन लोगों का मिल रहा है अभी, उन लोग चाहते हैं कि यूएई के अंदर में जो लोग मौजूद हैं, यानी कि विजिट वीज़ा में जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल है तो उनको वीज़ा दे रहे हैं। प्रोफेशन थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये लोग वीज़ा निकाल रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में क्या कि कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि किसी किसी प्रोफेशन का वीज़ा बिल्कुल ही नहीं आ रहा था दुबई के अंदर, अबू धाबी भी बोल लीजिए, शारजा भी बोल लीजिए, किसी किसी प्रोफेशन में बिल्कुल वीज़ा इशू नहीं हो रहे थे। बहुत लोग विजिट वीज़ा में काम कर रहे थे या कोई अपने हस्बैंड वीज़ा में है तो वैसे काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है प्रोफेशन चेंज करके ये लोग कंपनी वाले वीज़ा निकाल रहे हैं। अब देखते हैं ईद के बाद क्या होता है। ईद के बाद वैसे ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो गाइज़ ये अपडेट है अभी तक का दुबई या यूएई के वर्क वीज़ा से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।